गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू राजन व्लॉग्स। दोबारा से स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। और आज एक हम लोगों ने फिर से नए ट्रिप की शुरुआत कर दी है। और हम लोग, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये दो लड़के और हैं, जो दोनों को आप पहले से जानते होगे, पीछे वाले को तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, मिस्टर आदर्श राज ऑल द वे फ्रॉम आगरा, और ये हमारे पवन मुसाफिर भाई, जिनके साथ मैंने लास्ट ईयर जंस्कार वाली जो राइड की थी, तो वो ये पवन भाई हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि सुबह के टाइम हो रहा है 8:15 के आसपास का टाइम है, और हम दिल्ली से चल के 150 किलोमीटर होने वाले हैं पूरे। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, आज हम तीनों जा रहे हैं बाबा महादेव के एक स्वरूप के दर्शन करने, जिनको कहते हैं रुद्रनाथ जी। ठीक है, तो रुद्रनाथ जी के ट्रैक पे हम जा रहे हैं, तो इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि आज ये पहला दिन है हमारा। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, आज हम दिल्ली से गोपेश्वर या सगर विलेज है, तो सगर विलेज से एक्चुअल में यात्रा शुरू होती है, तो वहाँ पे हम लोग आज स्टे करने वाले हैं, रात को पहुँचेंगे, और उसके बाद कल हम ट्रैक शुरू करेंगे। तो कल के नज़ारे और अलग होंगे, आज के नज़ारे कुछ और हैं। ये रहा अभी तक का इंट्रोडक्शन हमारा, और अब बाहर के नज़ारे देख लो, राइडर दिखाई दिए भाई साहब BMW पे, देख के वो भी जोश में आ गया। ये BMW 310 है शायद, है ना, क्योंकि अभी क्या है कि सैटरडे है ना गाइज, तो इसीलिए राइडर्स आज काफी दिखाई दिए हमें। पवन भाई को ड्राइविंग सीट पे अभी दिया मैंने, अभी तक मैंने चलाई 150 किलोमीटर, उसके बाद मैंने कहा यार आप भी जरा चला के दिखाओ, अपना हुनर दिखाओ, तब तक मैं आप लोगों से बात कर लूँ जरा थोड़ी सी। मैंने सोचा कि वीडियो रिकॉर्डिंग करने का ये सही टाइम है, क्योंकि घर से सुबह चले थे तो अंधेरा था, तो फिर मैंने सोचा अब क्या ही दिखाऊँ आपको इस टाइम पे, और फिर क्या है कि वीडियो फिर बहुत लेंदी हो जाता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा लेट ही वीडियो को शुरू किया है। और मौसम क्या है कि बदल चुका है, उत्तर प्रदेश में हम लोग चल रहे हैं, अभी गन्ने की फसल पूरी उगी हुई है, जैन शिकंजी को क्रॉस कर रहे हैं। आदर्श भाई कुछ बोलोगे नहीं क्या? अरे भाइयों ने राम राम। ये हमारे ट्रिप का, ट्रिप तो चलते रहती है। हाँ, उसी ट्रिप पे ये ट्रिप चल रही है, ट्रिप चल रही है, महादेव का आशीर्वाद बनाए रखे हमारा ट्रिप। हाँ, बाकी सब बढ़िया, फिर दोबारा मिलेंगे थोड़ी देर में, हरिद्वार पहुंचेंगे, गंगा जी के दर्शन कराएंगे आपको सुबह, फिर उसके बाद आगे आगे बढ़ते रहेंगे। आज देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, करण प्रयाग और नंद प्रयाग, आज ये चारों प्रयाग हमें क्रॉस करके गोपेश्वर पहुंचना है, जिसकी दूरी लगभग 450 किलोमीटर है दिल्ली से, जिसमें से 150 हमने कवर कर लिया। हाँ जी गाइज, हम लोग जो है अभी ना ऑलमोस्ट हरिद्वार पहुँचने वाले हैं, और आज क्या है ना, अमावस है, अमावस तो श्राद्ध अभी ख़त्म हुए हैं, आज ये मतलब लास्ट डे है, कल से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, तो इसी चलते देखो यहाँ पे ना हरिद्वार में क्या है, स्नान होता है, तो आज काफ़ी ट्रैफिक है, और मैंने इस हाईवे पे पहली बार यहाँ पे जाम देखा, क्योंकि हर की पौड़ी का रास्ता आगे से मुड़ जाएगा अभी, इसी वजह से शायद आज यहाँ पर जाम लगा। हम लोग आ गए हैं ऋषिकेश से लगभग 5 किलोमीटर आगे, और अब हम बढ़ रहे हैं देवप्रयाग की तरफ, तो रास्ता कहीं कहीं पे बीच बीच में इस तरह से ये स्लाइड आई हुई है रोड पे, तो बाकी रोड ठीक चल रहा है अभी, कहीं बंद नहीं है। ये भी उसी वजह से है कि यहाँ भी बरसात के टाइम पे ना काफ़ी लैंडस्लाइड वगैरह हुई थी, तो ये ब्रह्मपुरी आ गया है जगह, और अभी टाइम लगभग हमारी कार की वॉच में 11:30 बज रहे हैं, और टेम्परेचर जो आउटसाइड का है वो है 31 डिग्री सेल्सियस, तो गर्मी है यहाँ पे ठीक ठाक, रिवर राफ्टिंग हो रही है अभी भी, और हम लोग बढ़ रहे हैं रुद्रनाथ जी की तरफ धीरे धीरे। आदर्श बाबू आ गए फ्रंट सीट पे, नींद पूरी करके अपनी, काफ़ी टाइम लग गया हमें ना आज, लेट के चलते हम लोग लेट हो गए हम लोग आज, तो अभी शायद हम इसी हिसाब से अगर चलते रहे इस ट्रैफिक के हिसाब से, तो शायद 6:30-7 हमें बच जाएं सगर विलेज पहुंचने में,
और आज का स्टे हमारा सगर में ही रहने वाला है। और एक बात और बता दूं, अभी एक अपडेट आया है कि रुद्रनाथ जी के जो कपाट हैं वो 18 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे। यहाँ पर कट रहा जी कमर्शियल गाड़ियों का टैक्स। चलो अब देखो फटाफट गाड़ी खींचते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तक तो काफ़ी ट्रैफिक रहता ही है हरिद्वार ऋषिकेश तक, उसके बाद थोड़ा सा रास्ता खाली खाली सा मिलता है। हम अभी रुक गए हैं देवप्रयाग से 20 किलोमीटर और आगे आके, टाइम लगभग 1:45 का हो गया और खाना खाने के लिए ब्रेक ले लिया। हमारे पास पनीर की सब्ज़ी आई है, दाल है, चपाती हैं और राइस है और सैलड है। ठीक है जी, आदर्श बाबू गए हैं सामने वॉशरूम, गाड़ी इधर खड़ी है हमारी। खाना पीना खा के चलते हैं आगे, हम अपने टाइम से बहुत लेट चल रहे हैं आज, तो ट्रैफिक की वजह से ना पूरा शेड्यूल ख़राब हो गया, 2 बज गए यहीं पे। चलो खाना खा के मिलते हैं फटाफट। तो हम लोग अब चल चुके हैं खाना खा के, 600 रुपये का बिल दिया हमने खाने में। पवन जी वर्थ था 600 रुपये? खाना ठीक था पर थोड़ा एक्सपेंसिव था, पर एक्सपेंसिव था खाना ना, वैसे खाना ठीक था, सब्जियां दोनों ही ठीक थी, ज़्यादा मिर्च मसाला कुछ था नहीं। और अभी हमारी जो आज की डेस्टिनेशन है उसकी दूरी लगभग 130 किलोमीटर है और सामने के नज़ारे आप देखते रहो और मेरी बातों को सुनते रहो तो ज़्यादा आनंद आएगा आपको। रुद्रप्रयाग 49 है अभी यहाँ से और श्रीनगर शायद होगा 30 किलोमीटर। तो अभी नेक्स्ट हमारा स्टॉप होगा शायद श्रीनगर, वैसे रुकने की कोई हमारी ज़रूरत तो है नहीं अब, और देखते हैं रुद्रप्रयाग तक पहुँचेंगे सीधा और फिर वहाँ से हमें रास्ता चेंज करते हुए अपना गोपेश्वर वहाँ से रास्ता चेंज करके हम लोग गोपेश्वर की तरफ जाएंगे और फिर वहाँ से सगर विलेज। ठीक है, तो अभी तक का जो हमारा एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल है वो रहेगा 7 बजे, बाकी उससे पहले पहुँच जाएँ तो बहुत अच्छा है, रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि मैं रात को भी ठीक से सो नहीं पाया था। रास्ता ही देखो यार आप पहले यहाँ पे, हाँ देखो कैसा हुआ है। ठीक है, मैं रात को भी क्या है सो नहीं पाया था ठीक से, और क्योंकि जब कभी नेक्स्ट डे सुबह जल्दी उठना होता ना तो मुझे अक्सर नींद नहीं आती है रात को ऐसे, और आज भी लगभग सुबह से गाड़ी चला रहा हूँ, मैं ही चला रहा हूँ, दोनों भाइयों ने चलाई पर थोड़ी थोड़ी चलाई और बस, बाकी सब ठीक है और मौसम बढ़िया है अभी तक, हल्के फुल्के गर्मी, 33 डिग्री का टेम्परेचर और कहीं धूप कहीं छाँव का माहौल बनते हुए, और हम इन उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से निकलकर सगर विलेज की तरफ बढ़ते हुए। चलो फिर से मिलेंगे, बाकी सब बहुत बढ़िया है। आदर्श बाबू, हाँ भैया, राम राम। राम राम भाई सारे ने हम लोग फिर से निकल गए हैं अपने एक रोमांचक सफर की ओर। हाँ, सफर का हम लोग लुत्फ उठा रहे हैं। हाँ, भोलेनाथ हम लोग को बुला रहे हैं। हाँ, जल्द से जल्द हम लोग कल ट्रैक चालू करेंगे। ओके, आवाज पता नहीं तुम्हारी गई होगी कि नहीं। तो यहाँ से कर्णप्रयाग कितनी दूर है? 3
बस हमें वहां से गोपेश्वर जाना है। गोपेश्वर का रास्ता कहाँ से आएगा? सीधा ही है। अच्छा ठीक है। खाना खा के हम लोग गाड़ी में बैठे थे हैं, उसके बाद अब उतरे हैं लगभग 2.5 घंटे बाद, और खाना खा के बैठे थे, उतर के फिर खा रहा मैगी। पहाड़ों को पहाड़ों का अगर चाय मैगी नहीं खाए तो क्या खाए? क्या खाए ये तो पूछ रहे। ये तो है, देखिए नज़ारे उधर। और तुम्हारी आवाज़ सुन के आ गया, देखो ये। हे ब्रो व्हाट्स अप, सब पहचानते हैं तुम्हें? तो घरों ना आता है सब। मौसम भाई साहब बढ़िया हो रहा है, गाड़ी चला चला के थक गया हूँ मैं। ठीक है, हैं अभी लगभग 1.25 घंटे का रास्ता और रह गया है, तो एक स्ट्रेच और है, इसके बाद फिर पहुँच जाएंगे सगर विलेज। ठीक है गाइज, जब तक हमारी कॉफ़ी बन रही है ना, हमने सोचा थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। नज़ारे देखो इस टाइम कितना सुंदर दिख रहा है, शाम का वक्त है, समय घड़ी में 4:48, गाड़ी वहाँ खड़ी है। तो हमारे आदर्श बाबू ना, जब स्पीति हम लोग गए थे फरवरी में, तब इनका वजन लगभग 120 किलो था। चलते चलते बात करते हैं, आ जाओ पवन। तो अभी ये मिले कितने महीने हो गए यार, काफ़ी टाइम हो गया ना, 9-10 महीने हो गए शायद। नहीं, अभी अक्टूबर चल रहा है तो 8 महीने हो गए हैं फरवरी से, तो 8 महीने में इन्होंने 15 किलो वेट लूज़ किया है, अभी 104 किलो वेट हो गया है। अभी बाकी क्या है कि पवन भाई जैसे फिट दिख रहे हैं ना अभी आपको, ऐसे बनाने का ऐसा, हाँ ऐसा बना के इनको वापस लेके जाएंगे रुद्रनाथ की ट्रैकिंग करवाने के बाद। उसी का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर रुद्रनाथ में फिट नहीं हुए कल्पेश्वर ले चलेंगे, फिर कल्पेश्वर ले चलेंगे। हाँ ऐसे करना है, फिट करके ही वापस ले चलेंगे, उसके बाद हम लोग चादर ट्रैक करने जाएंगे। चादर है तुम्हारा विचार करने का? हाँ करने वाला है, तो चलो मैं भी कर लूंगा, करना है दोनों भाई करेंगे साथ में, हम लोग अनोखा चीज ही करते हैं साथ। अभी क्या है ना, जैसे आप लोगों को पता ही है कि आईफोन 15 प्रो लॉन्च हुआ है या 15 लॉन्च हुआ है, तो इनका विचार है लेने का। अभी 14 प्लस यूज़ करते हैं ये आदर्श बाबू, तो ये कह रहे हैं दुबई जाके लेके आएंगे, तो मैंने कहा मैं भी चलूँगा साथ में, तो हमारा प्लान बन रहा है कुछ। अगर हम गए तो आप लोगों को यूट्यूब वीडियोज़ में देखने को मिलेगा, क्यों चलें बना के बैठेगा, फिर ठंडी हो जाएगी, नहीं तो चलो एटलीस्ट इतना तो चले, नहीं बैठे बैठे यार समय का पहिए चलते रहना चाहिए, पैर जाम ही हो जाते हैं। ये सही लोकेशन में बनाया हुआ है इन्होंने, देखो वैली है पूरी घाटी में। शाम का आनंद लेते हुए राजन ब्लॉग्स एंड आदर्श राज एंड मिस्टर पवन मुसाफिर, मुसाफिर पवन, पवन मुसाफिर बोलने में अच्छा लगता है यार, सही में। किसको? हनुमान जी को? नहीं नहीं, वायु, वायु जो मतलब हवा भी चल रहा है ना, पवन, उसको भी पवन बोलते हैं। कितनी अच्छी पवन चल रही है, पवन है। अच्छा आदर्श बाबू की मैगी तैयार हो गई है, और इसमें भैया कॉफी बन रही है। मैगी कितने की देते हो आप? 50? 40? चलो अभी ज़्यादा ऊपर नहीं आया इसका मतलब हमें ना। अच्छा मैगी बन गई तुम्हारे मतलब की? और क्या चाहिए बताइए, कितना करोड़ मनुष्यों को हम लोग छोड़ के इस नतीजे पर पहुँचे हैं, क्या ये हमारा सौभाग्य है? घूमने आए भाई, बाबा का दर्शन करने आए हैं। हाँ ये तो है, तो चलो हम लोग थोड़े खा रहे हैं, बाबा खिला रहे हैं, पहाड़ों पे खाओ। अंधेरा हो गया गाइज, टाइम 6:20 घड़ी में, और अभी हमें लगेगा, आदर्श बाबू दिखाओ जरा गूगल मैप, 27 मिनट 27 मिनट लगेंगे, और लगभग 11 किलोमीटर है। ठीक है जी, और 11 से आगे हमें अभी जाना है 5 किलोमीटर और सागर विलेज, ये जो लोकेशन है गोपेश्वर की डाली हुई है हमने, तो गोपेश्वर से सगर विलेज जाना, तो लगभग मुझे लगता है कि 7 तो वैसे ही बज रहे हैं, 7:30 बजे तक हम पहुंच जाएंगे आज अपनी डेस्टिनेशन पे।
हमें काफ़ी टाइम लग गया, वही कि आज ट्रैफिक था हरिद्वार और ऋषिकेश में, तो इसलिए टाइम लग गया। अब हम आपसे मिलते हैं पहुंच के और बाहर का नज़ारा आपको दिखाएंगे। आदर्श बाबू थोड़ा जूम मारिए जरा, पहाड़ कैसे चमक रहा है। आपसे सगर के होटल या होम स्टे में पहुंच के, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गाइस गुड इवनिंग, रात के बज गए 8, हम लोग पहुंच गए हैं सगर विलेज। ये जो नज़ारा देख रहे हो ये पूरा सगर विलेज है, ये भी और ये जितना आपको, ये शायद दूसरा गांव है आगे, ये तो सगर है, पर यहीं से हम लोग आए और बिल्कुल यहाँ से लगभग 150-200 मीटर से ही हमारी यात्रा शुरू होती है, वो आपको सुबह मिलेगा नज़ारा देखने के लिए। सबसे पहले बताऊँ आपको, हमारी कार खड़ी है ये वहाँ पे, आपको दिख रही होगी, मैं फिर भी एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। ये खड़ी है वाइट कलर की क्रेटा, अभी अंधेरा है, ठीक है। तो ये हमारा आज का होटल कम होम स्टे समझ लो आप, ये रूम है, रूम आपको दिखा रहा हूँ मैं अंदर चल के अभी, ठीक है जी। हम पहुंच गए सही सलामत, बिल्कुल महादेव जी की कृपा से सब कुछ बढ़िया रहा। गेट बंद कर लेते हैं फिर बात करते हैं आपसे। हाँ जी, ये हमारा कमरा है और ये हमारे दोनों भाई लोग, तो ये 3 बेड वाला रूम मिल गया। हमने यहाँ पे अपना सामान रख दिया, सब हमारे बैग्स हैं, इनमें से क्या है कि एक बैग ये जाएगा ऊपर, एक ये जाएगा और एक वो जाएगा, बस बाकी ये सब हम छोड़ के जाएंगे या तो गाड़ी में या फिर यहीं पर, ठीक है। वो हम देखेंगे कि होटल वाले से बात कर लेंगे। तो ये ऐसा है कि जहाँ आपको लास्ट मिला था उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँच गए, बाहर का नज़ारा आपने देख लिया, रात हो गई है, अभी हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ से खाना खाने, इस होटल के अंदर ही खाना है। नीचे 150 रुपये की प्लेट है, वो आपको खाने का जो है, हम जो भी खाएंगे वो आपको सिनेमेटिक्स में देखने को मिल जाएगा, तो वो देख लेना। और यहाँ से 150 मीटर की दूरी पर ही है पॉइंट जहाँ से ट्रैक शुरू होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो रुद्रनाथ का जो ट्रैक है वो वन ऑफ दी ब्यूटीफुल पंच केदार में से एक ट्रैक है और बहुत ही टफ भी है। जो कल के नज़ारे होंगे वो कल आपको देखने को मिलेंगे हमारे रुद्रनाथ जी के दर्शन के। और क्या बता रहा था, हाँ हम लोग सही टाइम पे आ गए हैं, 14 तारीख है, 18 तारीख को बंद होने वाले हैं कपाट, तो अभी क्या है कि बस कल और परसों 2 ही दिन यहाँ से यात्रा रहेगी और टूरिस्ट भी काफ़ी हैं, पीछे के होटल सब फुल हैं, बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है। इस होटल का नाम नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ दूंगा, आप लोग कभी आओ तो बुक कर लेना पहले से। खाना खाने जाते हैं, थक गए हैं ड्राइव कर करके, सारा दिन हो गया आज ट्रैवल करते हुए, ठीक है जी। कुछ कल तो असली मेहनत हमारी कल शुरू होगी, हम सुबह यहाँ से निकलने वाले हैं 6-6:30 के बीच में, बाकी सब कुछ बस बस भोले बाबा ने बुलाया भैया हमें, जिस भी तरह से आते ही हमारा सब कुछ सारे काम हो गए, नहीं तो एक एक 2 दिन का प्लान हमारा बना है, सडनली वाले प्लान है और यहाँ पहुँच गए आज। चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए, आदर्श बाबू हर हर महादेव, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलो